और आज से आपको कभी भी अटैक नहीं करेगा। नाको जो तो कागे आपको कोशिश करेगा। नाको मंचा आपको नहीं सकेगा। मतलब आ ईश्वर के बारे इंटरेस्ट हुआ क्योंकि आप प्रभु के लिए इंटरेस्ट हो गया है। ईश्वर अगर परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर कहता है आपको मंदिर अगर बहो मुझे जो आदर करता है वह कौन मंदिर अगर उसको मैं आदर करता हूँ। आज भी ईश्वर सीरियस हो गए। हम लोग परमेश्वर के लिए अगर सीरियस हो जाता है परमेश्वर भी हम लोग के लिए सीरियस होता है। आप परमेश्वर के लिए सीरियस होने से परमेश्वर आपके लिए सीरियस होगा। एक समूएल चैप्टर 2 वर्स 30 में लिखा है। God says, परमेश्वर कहता है If you honor me, आप अगर हमको आदर करता है I will honor you. हम भी आपको आदर करूंगा। आप हमको अनर करने से ना को मंदिर आओ दे। आप हमको अनर करने से ना को मंदिर रखे आ ना को मंदिर रखे मैं भी आपको आदर करूंगा। और एक बात सुनो बेबी आ रही इसलिए हम लोग का विश्वास बेबी राव मौजा खाली विश्वास में नहीं है काम बस हम लोग का काम पर होना पड़ेगा। तो फिर और हम लोग का विश्वास विदाउट वर्क कोई बचान से स्टे कोई सेफ नहीं है। आज में पेट पर हम लोग का बच्चा या शरीर भी किस क्रिटिस चाहिए सो लोग जरिस चाहिए आत्मा बिना आत्मा से मर जाता है। अरे बताओ आज में पेट पर आने और आज हम लोग का विश्वास काम बक्सों पर लगे काम पर होना पड़ेगा। अब काम पर जैसे आज में पागे जब हम लोग काम पर आएगा इसो नको सिंगत गया आपको प्रभु चंगाई करेगा। इसो लोग नुकसान पर सिंगत गया आपका पड़ोसी को चंगाई करेगा। आपका द्वारा दूसरा लोग चंगाई मिलेगा। आप जहां भी जाओ आप प्रीचिंग कर सकता है। प्रीचिंग करने से पहला नाको नहीं है आपको देख कर मतलब आदमी लोग आशीष मिलेगा क्योंकि आपका काम पर ईशो परमेश्वर का कैरेक्टर है। ईशो ने कैरेक्टर को परमेश्वर का कैरेक्टर अच्छी को देखने लगा हम लोग पर देखना चाहिए। अच्छी को देखने लगा हम लोग पर देखना चाहिए। ईशो ने कैरेक्टर परमेश्वर का कैरेक्टर लव प्यार है खासरी मां प्यार है खासरी तो दे प्यार है तो नानी आपका काम मसीह काम पर देखा जाएगा। और एक बता दो इसीलिए आज ईशो ने खाता दिया ना परमेश्वर का वचन में ये कहता है आपने खाता ना खनत किसी को भी सकवा मेरा वचन पर जो कोई कान नहीं ठहराता है उन्हें प्रिय ने बच्ची नहीं उसका प्रिया को भी नहीं सुनता है। सब फोड़े बो कोई पढ़ लो हिंदी से आसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स प्रोवर्ब चैप्टर 28 वर्स 9 गारो से पढ़ूं पढ़ देगा और आशा हिंदी से पढ़िए जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोह लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आमेन आमेन बिनो अगर ना इसमें कहता है न्याय को खरीदना हम लोग इसको ध्यान से सुने आप लोग कान को जो नहीं सुनाता है उन्हें प्रिया नहीं मच्छे नहीं उसका प्रार्थना को भी गिर करता है। ते अच्छे ना इंटरेस्ट समझो दे हम लोग अगर इंटरेस्ट नहीं होने से ईश्वर ने कहा इंटरेस्ट समझो परमेश्वर का बचन के लिए अगर इंटरेस्ट नहीं देगा ईश्वर बन के इंटरेस्ट होंगे परमेश्वर कैसा आपको इंटरेस्ट करेगा। और ईश्वर लगा ना और परमेश्वर कहता है आपने खाता को खाना तो किस जगह पा मेरा बचन को जो कोई नहीं सुनता है उन्हें प्रिया ने मच्छे नहीं उसका प्रार्थना जो है उसको गिर करता है। That means उसका मतलब repentance मन फिराना किस फिराना मन फिराना पड़ता है किस फिराना मन फिराना पड़ता है आज किस फिराना हम लोग मन फिराना पड़ेगा मैं तो कहूँ किस फिराना कैसा मन क्यों मन फिराना पड़ता है कैसा मन फिराना पड़ता है ना नहीं खामो ना नहीं खामो ना थान भी गए आपका काम पर मेरा काम पर आप लोग देख के मालूम होगा नामनी उप स्पीड तो ना हुई है आपका आत्मा में आपको मालूम होगा तलाक से किस पुनः आने बंगा हम लोग का आज हम लोग का आत्मा में बहुत कुछ बदलने का काम है। ईश्वर किसका रूप होते हैं परमेश्वर अगर आत्मा है वह किसका रूप भी बोला कि प्रभु ईश्वर मां
वो आत्मा में और आत्मा में जो हम लोग आराधना करने वाला वो चाहता है। ये वायर नहीं समझे वो, ये वायर समझो आप लोग नहीं यार छाते में भींगा। आप यहाँ पर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं नहीं यार छाते में भींगा। क्यों आप लोग खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं? यह संभव नहीं सुन हुआ, इस ऊपर में है परमेश्वर है और आप रो रहा रो भी रो रहा है कभी कभी मैं भींगा और जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है और धीरे धीरे भी प्रार्थना कर रहा है लेकिन आपका माइंड पच्ची बार हो रहा महोदय कहा में भी घूमने जाने से कैसा आप परमेश्वर का सब कनेक्ट होगा? कैसा आप परमेश्वर का सब कनेक्ट होगा? कैसा आप परमेश्वर को मिलेगा? कैसा आप डिलीवरेंस को रिसीव करेगा? ये तो आप इधर ही था, आपका ही दाय है, मेरा ही दाय है। रिपेंटेंस मन फिराना, मन फिराना। Do you understand what I'm saying? आप लोग समझते हैं कि मैं बता रहा हूँ? मसीह माँ, आप लोग समझ रहे हैं? मसीह माँ, समझ रहे हैं? दालों ना हीलिंग को रिसीव करेंगे मसीह माँ। आप आज आप लोग किया हीलिंग को रिसीव करेगा आपको मालूम है? दालों साली भाई खानों माले मेरे को क्या? आज किसी का अकाउंट में आज पैसा घुसेगा। साली भाई आप मिसाल सा लगा लेंगे सिम सक्सा मिचे बाइफोन। आ कोई एक बाइफोन, बाइफोन और फोन पर फोन जी फोन पर अन्ना सिंह हर फेस और कोई किसी ने आपको फोन करके लिंक किया आपके फेस को हम कहाँ लुक्सा आप लोग प्रेस को दिखा के नहीं दिखा जस्ट ओनली प्रेयर रिक्वेस्ट जब प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप लोग आगे नहीं चल मैं उसमें बता रहा था टुडे यू रिसीव द मनी मेकर आज आप लोग आज आप लोग मनी मिरेकल देखेगा आफ्टर अ फ्यू वीक्स और कुछ हफ्ता का बाद में वो किसको रिसीव कहा ओ आत्मा में रिसीव किया वो मनी मिरेकल हुआ और उसने मनी मिरेकल देखा है आमेन आमेन और एक महिला आ रहा था मार व्यक्ति था अरोबिया सबसे मिच पहुंचन और वो एक महिला था अरोबिया कपड़ा को प्रेयर 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 करने के रूम में बहन और उसने दूसरा लोग को भी प्रेयर करने के लिए लेके आया अरे बाव वाव कपड़ा रंग नोकता को सोल करना तब यार प्रेयर रिक्वेस्ट ना यार बात से मात्र रहो और दूसरा लोग को भी वो प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए लेके आया था अरे भाई सोनी किचन से लोग आप रंग ना आगे शेयर रंग खाएंगे चल और जब उसने शेयर कर रहा था परमेश्वर को बचान को और जिसने लेके आया तो उसके लिए प्रोफेसी डिक्लेयर हो गया और उसने बताया आपका हाथ में ही पैसा है थ्री लाख मनी मिरेकल तीन लाख पैसा मनी मिरेकल हो गया आज अगर आप लोग परमेश्वर का साथ कनेक्ट होने से परमेश्वर आप सही करेगा आप लोग प्रेयर में रहिए आमेन आमेन स्पीक टू द बेबी और परमेश्वर का आत्मा में टुडे यू नीड टू रिपेंटेंस आज आप लोग विश्वास में मन फिराना पड़ेगा आर यू ट्रबल गनिंगा और उस टाइम मैं बता रहा था इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ और आप लोग आपका हृदय को देखो बी एट दिस बोर्ड ऑफ वर्ड ऑफ गॉड और आप लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो ना बाजारी बार होना है वर्शिप खाना ना सो दोनों मुद्दे और कहे में भी आप वर्शिप करके रहने से प्रेजेंट वर्शिप लीडर्स और आप वर्शिप लीडर भी हो सकता है यूथ क्रू ये सच्ची है एक और बच्चे पर ना और आप लोग टाइम पर एक और बच्चे पर पहुंचना जरूरी है यू आर सीरियस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड और आप लोग प्रभु का वचन पर सीरियस होना पड़ेगा जैसे लोग म्यूजिक रहो तो मामिंगा और जब म्यूजिक को बजाने जा रहा है मानते रहिए आशु मस्कना और आदमी लोग का बैठने से पहले है मंदिर अगले एक बार मस्कना आदमी लोग आने से पहले है ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बिना ना और यहाँ पर आगे प्रार्थना होना चाहिए और प्रभु का वचन को डिक्लेयर करना जरूरी है और जब आप वर्शिप करेगा और हीलिंग डिलीवरेंस और यहाँ पर एनॉइंटिंग है
जैसे दाऊद म्यूजिक रखो तो कहा और जब दाऊद ने म्यूजिक बजाया था मैंने दाऊद की म्यूजिक को एंटर हुआ क्यों दाऊद का म्यूजिक में एंट्री है स्पिरिट तो खाने खाने का मतलब क्योंकि वो स्पिरिट में कनेक्ट था वो खाने खाते तो हीलिंग डिलीवरेंस होना बन जाए और खाने नहीं करने से हीलिंग डिलीवरेंस नहीं होगा दाऊद ने म्यूजिक की सोच से कनेक्शन हो गए और आज आपका म्यूजिक परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने से गॉड विल डू मिरेकल्स साइंस एंड वंडर्स और परमेश्वर आज साइंस एंड वंडर्स को करने जा रहा है आमेन आमेन इसलिए आज नंगी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना नमी तक होंगे आप अच्छा से करेगा तो यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ आप सफलता पाएगा आपका जिंदगी में ना हाई लेवल पर आएंगे आप हाई लेवल पर चला जाएगा ना को नी मदर फचेरे को बन गए और आपको देखकर आदमी लोग आशीष मिलेगा ना म्यूजिक तो ऑन आपका म्यूजिक बजाने से मंदिर आशीष मिल से बगे आदमी लोग आशीष मिलेगा आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आप म्यूजिक तो मत समझा मैं म्यूजिक बजाना नहीं जानता हूँ अभी मैं म्यूजिक को तो कहा तो भी मैं म्यूजिक बजाता हूँ जैसे मैं म्यूजिक को तो भी अच्छा जॉब में म्यूजिक बजाता था वह सोनी आप पास दारा मत होंगे उसी टाइम मेरा साथ कोई भी नहीं था आवाज जैसे लाइफ सोल मुझसे स्पेक आया जब और जब मैं परमेश्वर का साथ समय बिताता था दारा ने काउंसलिंग करने मर्गी जब मैं चुप था कोई भी काउंसलिंग करने नहीं सीखने वाला एक व्यक्ति एक लड़की नोगर अच्छे में तो आई बॉयज सीख पिसा और घर में बैठे ही रहने वाला एक लड़की मगर फल बहु आगना बच्चा और उसको उसका माँ बाप भी बोले नहीं सीखता था कंजर्व चर्च में मंदिर अब आगना बच्चा चर्च का आदमी भी बोले नहीं सीखा मुख्य बीच में से हिलिंग डिलीवरेंस को सीखा और उसी लड़की ने हिलिंग डिलीवरेंस को रिसीव किया आई वॉज वर्शिपिंग जब उसने वर्शिप कर रहा था जब वो वर्शिप कर रहा था जस्ट प्लेइंग द म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक बजा रहा था म्यूजिक मांगो तो कहीं अच्छा खाली म्यूजिक बजा रहा था आगे को रुकी अच्छा और गाना गा रहा था अपनी खुदा का सुर बजा मेरा जो आवाज है वॉइस है वो मैं अच्छा तो नहीं है और मैं म्यूजिक बजाना नहीं जानता हूं तब भी एनॉइंटिंग आया है परमेश्वर की एनॉइंटिंग आया है वाई नीड टू बी सो ट्रांसफॉर्म्ड और वो लड़की ने ट्रांसफॉर्म हो गया और वो आगा लिया और वो बता रहा था आई सुन का मौका गया मैं परमेश्वर का काम करूंगा मैं कहीं में भी नहीं जाऊंगा और उसने अभी भी काम करने के लिए तैयारी है टीचिंग्स का और सबसे बड़ा टीचिंग है प्रीचिंग्स का प्रीचिंग से पहला योर कैरेक्टर गॉड कैरेक्टर बन गया और सबसे पहला आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ये स्पिरिट का कनेक्शन हो जाओ और इसीलिए स्पिरिट का साथ अगर आत्मा का साथ कनेक्ट नहीं होने से आप जैसा भी प्रार्थना करो या इस सोनी किसी पक्ष का कनेक्शन होना मत और परमेश्वर का आत्मा का साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है रोरामा आएगा ऐसा ही बेकार में हो जाएगा ना बिगेन आप प्रार्थना करेगा स्पिरिट जंपिंग हो आएगा आपका आत्मा कहां भी नहीं चला जाएगा इस सोनी पक्ष का कनेक्शन होना मत परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो नहीं पा रहा ना प्रैक्टिकली कहीं नहीं हो आप प्रैक्टिकली करके देखो सब तो प्रैक्टिकल में मैं सब एक्सपीरियंस हूं यार कोई किसी ने तो एक्सपीरियंस हो गया है सोल प्रेजेंस हो परमेश्वर का प्रेजेंस में वहां लोग साइलेंट होकर प्रे कर प्रेयर करनी हो और रात में आप लोग साइलेंट होकर प्रेयर करके देखो ना गाने नहीं हो आप बोल के देखो होली स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा होली स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा आई एम हियर मैं यहां पर हूं अगर अपने प्यार को फील करना मत आओ मैं आपको मिलना चाहता हूँ आपका हाथ को उठा कर देखो आपका हाथ में करंट शॉट हो जाएगा अमें। 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 मैं बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस हुआ रात का टाइम में जब मैं परमेश्वर के साथ बात कर रहा था मैं परमेश्वर को बुलाया यू आर माय डैडी आप मेरा बेटा आप मेरा पिता हो You are my real daddy. आप मेरा सच्चा खुदा पिता हो। I am your daughter. मैं आपका बेटी हूँ। That's my life. ये मेरा जिंदगी है। अब ये चक्रों का निशान। मेरा हाथ पर करंट सॉर्ट किया गया। ये चक्र रखा। ये हाथ में। ये चक्र करंट सॉर्ट किया। ये हाथ पर करंट जैसा सॉर्ट आया है। इस ओनली प्रेजेंस ओनली पनस कौन है? परमेश्वर का प्रेजेंस में आने से पहला। इस ओनली कदम ना मैं करता हूँ। परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनो इंटरेस्ट दे दो इंटरेस्ट दे दो सच्चा इंटरेस्ट दे दो कैसा प्रोफेसी करने पड़ता है कैसा प्रेयर करने पड़ता है कैसा बोलने पड़ता है परमेश्वर का आत्मा आप लोग को बताए परमेश्वर का अभिषेक आपको सिखाएगा
एनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप है, एनॉइंटिंग को रिसीव करने, अभिषेक को रिसीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप है। जैसे ना चुगम की सोना सरेंडर कर गया, जब आप टोटली सरेंडर कर देगा, ना दारा को मम्मू को भागन जावा, किसी को भी आप कुछ भी नहीं बोलेगा, दारा को बना मामा ना दारा को बना बैक पैक कर जावा, और किसी को भी पीठ पीछे कुछ नहीं बताएगा, आपको आगन पर को मामू को नागन जावा, और आपको जो बताता है उसको आप कुछ भी नहीं बोलेगा। वाह उसे इस सोना मच्छर के चो, उसी टाइम आपके साथ परमेश्वर ना अपनी बोपरा को तकलीफ का होते हैं। आप आपका दुश्मन को अगर बनाने मानेगा तो ना नहीं सोच सकता। आपका लिए परमेश्वर आपका लिए परमेश्वर ने आपका साथ होगा। और हम लोग का एकदम निराप टाइम में परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मन फिराने का और मन फिराने का वहां पर जाने से पहला अल्टर, और हम लोग देखते हैं अल्टर गांची, और परमेश्वर का जो अल्टर होता है ये परमेश्वर का अल्टर है, ये गांची ना ये खत्म है हार्ट, ये आपका हार्ट है दिल, फिजिकल अल्टर ये हम लोग का हार्ट है, फिजिकल अल्टर फिजिकल अल्टर फिजिकल अल्टर मतलब ये हम लोग का अल्टर जो है फिजिकल अल्टर का, ये हम लोग का फिजिकल अल्टर है और हम लोग का जो आत्मा में या मेरा स्पिरिचुअल अल्टर, इसमें जो है इसमें हम लोग का आत्मा का अल्टर बनता है, या आत्मिक खातों अल्टर, या हम लोग का आत्मा जो है ये अल्टर है परमेश्वर। सब आप पढ़ाए हो कोई पढ़ो फर्स्ट कोरिंथियन, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 3 चैप्टर 17 चैप्टर 3 16 एंड 17 क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ईसो ने मंदिर है और परमेश्वर का जो मंदिर है ना आत्मा आप ही है, चर्च मंडली जो है You and me. आप और मैं ही हूँ। नांगा चर्च हुआ। आप और मैं ही चर्च हूँ। नांगा मंडली हुआ। आप और मैं ही एक मंडली है। नानी सोनी टेंपल हुआ। आप है परमेश्वर का टेबल। आपने खातों वाली सोनी टेंपल हुआ। परमेश्वर का टेबल आप ही है, आप लोग का आत्मा है। यही सोनी टेबल मैं वो ओल्टर था जब वो थे। और परमेश्वर का अल्टर अगर पवित्र नहीं होने से या उठा उठा जो होते हैं आत्मा अगर हम लोग का हृदय अगर पवित्र नहीं होने से ना माइंड की सोलह से कनेक्शन का क्या कैसे आप परमेश्वर का साथ कनेक्ट करेगा या उठा सलांटी रोटा ना ना ये जो अल्टर है हम लोग का हृदय हमेशा हम लोग का पास पवित्र होना पड़ता है या उठा ना दे या हृदय अगर पवित्र है वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन वर्ड ऑफ गॉड यीशु ने कथा परमेश्वर का वचन वर्शिप आराधना प्रेयर और प्रार्थना क्या तुम थे ना ये तीन चीज आप लोग का बीच में होना पड़ेगा लाइफस्टाइल होना पड़ेगा आप लोग का लाइफस्टाइल बनना पड़ेगा लाइफस्टाइल होना पड़ेगा या वर्ड ऑफ गॉड तो यीशु ने कथा और परमेश्वर का वचन में यीशु ने कथा परमेश्वर का वचन बेबी रामा सकांति तुम बनो परमेश्वर का वचन विश्व हर विश्वासी के साथ होना पड़ता है मैंने यीशु ने कहा था क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु क्राइस्ट हुआ यीशु मसीह ही है यीशु क्राइस्ट ने आचियो परमेश्वर यीशु मसीह का लहू में होली स्पिरिट काम करा परमेश्वर यीशु परमेश्वर का आत्मा काम करता है यीशु ने कहा था रामा तुम जाओ ने परमेश्वर का वचन आप पर नहीं होने से परमेश्वर का आत्मा काम कर नहीं सकता है मंदिर किस पर रिवाइवल आदमी का आत्मा आ जाता है डेमोनिक स्पिरिट रिवाइवल और डेमोनिक आत्मा आ जाता है और मैं किस रोग चल पर काम कर दे और पवित्र आत्मा का काम करने के लिए मोर रीड द वर्ड का और आप लोग का पास पवित्र परमेश्वर का वचन होना पड़ेगा आज मोइसुन खाता स्वप्न हम लोग का पास परमेश्वर का वचन
अवेलेबल होना पड़ेगा जब हम लोग के पास परमेश्वर का पहचान ज्यादा होगा जब हम लोग परमेश्वर का वचन पर चलेगा जब हम लोग परमेश्वर का वचन को आदर देगा और कोई भी शैतान हम लोग को कैच कर नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है क्योंकि परमेश्वर का वचन में पवित्र आत्मा काम करता है प्रभु का यीशु का लहू में परमेश्वर का आत्मा काम करता है आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया गॉड इज गुड प्रभु भला है और इसे युद्ध रहा और अभी युद्ध लो आज मेचिक रहा और महिला लो मैं सरा वह आदमी लो आज पेवेरा को गुमकान और हम लोग विश्वास से हर किसी ने पंबा की शोली का धोना और ज्यादा प्रभु का वचन को चाहिए प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड गॉड इज गुड आर यू ब्लेसिंग्स यस मैं भक्त को बनेगा मां आप आशीषित मिल रहा है आप आशीषित मिल रहा है कल वह तू मेरे कचरे आज प्रभु ने कुछ करने जा रहा है आमेन आमेन दाई कनी वो और अभी इसको देखो यहाँ पर देखो हेलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड गॉड इज गुड ऑल द टाइम हम लोग अभी जानता है यह हम लोग का जो शरीर है यह परमेश्वर का मंदिर है तब यह उठा नहाने को अच्छी हुआ यह हम लोग पवित्र होने के कारण हम लोग समझ गया क्योंकि यीशु का लहू से यह हम लोग शुद्ध हो जाता है आज ने प्रोफेटिक लेवल में रहबा मले हम लोग प्रोफेटिक लेवल में आने के लिए होली लाइफस्टाइल बन गया हम लोग का पवित्र जीवन जीना पड़ता है और स्पिरिट तो छुट्टो लखिया लगे और आत्मा में हम लोग को आराधना करने पड़ता है यंग से प्रोफेटिक लेवल होना रे बन गया तब जाके हम लोग प्रोफेटिक लेवल में आ पाता है नर यंग रिबार यंग रिबार हो दे और खरे हम लोग आता है जाता है आना जाना करने से ना प्रोफेटिक को ना मूव कर मचो और प्रोफेटिक में आप मूव कर नहीं पाता है जैसे ना स्पिरिट जब आप आत्मा में आराधना करेगा और आत्मा में ही आप देख पाएगा जब आप आत्मा में आराधना करेगा और आत्मा में ही आपको समझ ना सकेगा जब आप आत्मा में आराधना करेगा तब जाके आदमी का मुंह को देख नहीं सकता है प्रेज द लॉर्ड गॉड इज गुड और मैं कल क्या कल थोड़ा का एक व्यक्ति को मैं फोन कर रहा था और उसने मेरे मुझे बता रहा था मुझे प्रेयर करो और उसने नहीं बता रहा था उसने उसको नहीं बता रहा था थोड़ा साउंड दे दो उसने उसको डिटेल्स नहीं बता रहा था और उसने प्रार्थना करके बताया मैं आपको प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना से पहला होली स्पिरिट मूव कर जाओ और पवित्र आत्मा उसमें मूव हो गया और उसने बताया और आपका जो हस्बैंड है वो पिता है और दूसरा रास्ता है और क्लियर हो गया उसको बताया और उसने सरप्राइज हो गया अचंभक हो गया और इसको कुछ नहीं बताया मैंने नहीं किस रूम करना पवित्र आत्मा का आप बताया आमेन आमेन और एक किस पर बेबी और ईश्वर को रखिया होने और सच्चाई में और आत्मा में आराधना करने से ईश्वर ऑर्डिनरी मनी को यूज कर गया और परमेश्वर ने ऑर्डिनरी आदमी को ही बताता आमेन आमेन अगर राम राम ने छछिरा में
और हम साधारण व्यक्ति समान सोचो ना किसी प्लाउ दे आप अगर मन फिराया होली स्प्रिट पर गया परमेश्वर का आत्मा है प्रभु सत्य।